श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है, वो ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य अपनी तीन प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो और दूसरी ही नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की तरह मीठा लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।